शरारती बच्चा। नहीं गिनते, फिर तुम्हें आम खाने का कोई हक नहीं। तुम कहाँ करेंगे, रोक सको तो रोक लो। प्रॉमिस। इसी बात पर ये लो। थैंक यू। और ये मेरे दोस्त अंकुश के लिए। डोंट वरी रेनू, हम ओल्ड एज होम का फंक्शन बहुत अच्छी तरह से करवाएंगे। हाँ अंकुश, मैंने ओल्ड एज होम की पार्टी के लिए लिस्ट बना ली है। कल हम सीधे स्टोर पर मिलेंगे। आज मेरा कजिन मॉन्टी आने वाला है। लगता है आ गया। बाय। मोंटी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। मोंटी, कैसे हो? तुम्हें पता है हम पूरे 4 साल बाद मिल रहे हैं। 4 नहीं 4.5 साल बाद। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। वाओ, थैंक यू मोंटी। खोल के तो देखो, फिर थैंक्स बोलना। रेनू को डराया, बड़ा मजा आया। रेनू को डराया, बड़ा मजा आया। बड़ा शरारती हो गया है। मौसी, मुझे भूख लगी है। मम्मी कह रही थी कि आप चाइनीज बहुत अच्छा बनाती हैं। मैं 2 दिन सिर्फ चाइनीज ही खाऊंगा। हाँ हाँ मोंटी। रेनू जाओ मुंह धो लो। आज कार को ऐसे धोऊंगा कि एकदम नई हो जाएगी। मैंने बाल्टी रख दी है। अब मैं फ्रेंड सेंटर के काम से जा रही हूँ। मैं भी चलूंगा। मैं भी तुम्हारी तरह सबकी हेल्प करूंगा। हाँ, इसे भी ले जाओ, अकेले बोर होगा। ठीक है, चलो। बाय पापा, बाय मम्मी। बाय बेटा। अंकुश, कहाँ हो तुम? ग्रोसरी स्टोर के सामने। और मैं बस निकल ही रही हूँ। कार को बेकार बनाया, बड़ा मजा आया। मोंटी, हेलो रेनू, इससे मिलो। ये है मेरा कजिन। कहाँ गया? वो रहा। ये है मोंटी, और मोंटी ये है मेरा सबसे अच्छा दोस्त अंकुश। हेलो मोंटी। हमें सबसे पहले पार्टी के लिए ग्रोसरी लेनी है, चलो। मसाले, नमक, टोमेटो सॉस। ये क्या किया? मैंने कहा, ये तो अंकुश ने किया है। क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल। स्टोर वाले अंकल इधर ही आ रहे हैं। रेनू, तुम इसे लेकर जाओ। बजरंगी, कुछ करो।
अंकल बिल। थैंक यू वेरी मच बच्चों। वेलकम दादाजी। बेटा अब लॉन की घास काटनी है। अभी करते हैं दादी। ये तो मजेदार काम है। मॉन्टी तुम भी हेल्प करो। करता हूँ ना, मगर पहले मुझे वॉशरूम जाना है। चलो बताती हूँ। बजरंगी हेल्प करो ना प्लीज। जल्दी आ जाना, मैं यहाँ खड़ी हूँ। वाह, मेरे लिए टारगेट रखा है। मटके, अब तू कैसे बचेगा? मोंटी, ये क्या किया? ये मटके को उड़ाया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। मोंटी मैं तो कौवे को भगा रहा था। हाँ, ये मोंटी तो बहुत शरारती है। बजरंगी, इसको और शरारत करने से रोकना होगा। अभी तो मैं रोक लूँगा, लेकिन इसे इसकी शरारत की आदत हो जाएगी ना। इसे सुधारने के लिए कोई बजरंगी आइडिया निकालना पड़ेगा। टारगेट। वाह, ये गड्ढा तो वैसा है जैसे एनिमल्स को फंसाने के लिए शिकारी बनाते हैं। मैं भी किसी को फंसा कर शिकारी बनूंगा। लेकिन यहाँ कौन सा एनिमल है? बिस्किट भी खा लिया और गड्ढे में गिरा भी नहीं। रुक जाओ मोंटी। वो रुकने से कहाँ रुकने वाला है वो अंकुश? शरारत से दूसरों को परेशान करने वाले का यही हाल होता है। तुम इस पपी को गड्ढे में गिराना चाहते थे ना? जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उस पे खुद ही गिरता है। हाँ, मुझे समझ आ गया। अब मैं कभी शरारत नहीं करूँगा। लोगों ने तो बहुत अच्छी सजावट की है। Well done. सच में अच्छा काम करने में ज्यादा मजा आता है। चलो पार्टी करते हैं। इस बात पे एक सेल्फी हो जाए।